राजधानी लखनऊ के रहीमाबाद थाना क्षेत्र में गुरुवार देर रात भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर ट्रक में पीछे से जा घुसी। इस हादसे में एक ही परिवार के चार लोगों की मौत हो गई, जबकि दो लोग घायल हो गए। वहीं हादसा होने के बाद मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। बता दें कि लखनऊ हरदोई हाईवे पर थाना रहीमाबाद स्थित जिंदौर में इससे पहले भी कई हादसे हो चुके हैं। डीसीपी पश्चिम राहुल राज ने बताया कि संडिला से एक परिवार लखनऊ में एक शादी समारोह में शामिल होने आया था, जहां से देर रात कार से वह सभी संडिला लौट रहे थे। तभी रहीमाबाद थाना क्षेत्र के जिंदौर के पास उनकी कार ट्रक में पीछे से जा घुसी, जिसमें फातिमा समीना 2.5 साल की बच्ची आशिया और शहद की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं टक्कर इतनी भयानक थी कि मौके पर पहुंची पुलिस ने गैस कटर से काटकर कार से शवों को और घायलों को बाहर निकाला। डॉक्टर रहीमाबाद ने बताया कि बीती रात करीब 2 बजे यह हादसा हुआ। सूचना मिलते ही उप निरीक्षक ललनपाल और एक कांस्टेबल मौके पर पहुंचे, जिसके बाद सभी को कार से बाहर निकाला गया, जिसमें 3 की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि 1 की इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके अलावा 2 अन्य घायलों का इलाज चल रहा है। उन्होंने बताया कि मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है, साथ ही आगे की कार्रवाई की जा रही है। लखनऊ से शादी समारोह में शामिल होने के बाद वैगनआर कार से 6 लोग जो कि संडीला हरदोई के रहने वाले थे, जिसमें शमीमा, फातिमा, अब्दुल रहमान, आफिया, फहद और मुनीरा, ये 6 लोग थे एक ही परिवार के। ये वापस जब जा रहे थे संडीला की तरफ, तो थाना रहीमाबाद के अंतर्गत एक ट्रक से इनका एक्सीडेंट हो गया। चूँकि गाड़ी काफ़ी गति में थी, एक्सीडेंट के बाद इनको इलाज के लिए जब ट्रामा सेंटर ले जाया जा रहा था, तो 4 लोगों की इसमें डेथ हो गई है और 2 लोगों का इलाज लखनऊ सिटी हॉस्पिटल में चल रहा है। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है और आवश्यक विधिक कार्रवाई।